तो भी हमने निवेदन करा था कि यहाँ पर यातायात की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, आप यहाँ पर यातायात दुरुस्त करवाए, परंतु महीने के बाद भी आज वाहन तेज गति से निकल रहे हैं, ट्रक तेज गति से निकल रहे हैं, तो इसी कारण यहाँ पर हर रोज दुर्घटना होती है और यहाँ पर हर एक महीने में कोई न कोई की मृत्यु हो जाता है। तो आज हमने इतने दिन से प्रशासन को चेता रहे पर प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। भारी वाहन पहले बात आज आज यहाँ वाहन के दिन में भी भारी वाहन अंदर कैसे आ रहे हैं? अरे स्कूल निकलता कॉन्वेंट स्कूल, आप वहाँ पर जाकर स्थिति देखिए, ट्रक एक्सीडेंट करने के बाद बाईपास में पकड़ा है, रुका ही नहीं था। और यहाँ पर आप बीमा हॉस्पिटल में भी देखेंगे जो बैरिकेड थे वो रोड पे लगा हुआ है, जब आप टर्न लेके आओगे तो रोड पे आना पड़ता है आपको टर्न के लिए। मांग क्या है आपकी? मांग फोर लेन के नाम पे भी लिपा पोती कर दी गई है, 221 करोड़ का बोला गया था कि अब फोर लेन बनेगा, पर उसके बाद 1.5 करोड़ की लिपा पोती कर दी गई है यहाँ पर। दो दिन में दो दुर्घटना हो गई है, दुर्घटना होने के बाद कुछ दिन वही गिरा कोई सुनने को तैयार नहीं है यार। ये यहाँ पर बहुत दिन से हमारे उज्जैन रोड पे यातायात की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। यहाँ पर यातायात इतना ज्यादा दबाव बढ़ जाता है कि यहाँ पर दिन हर दिन दुर्घटना होती है। कल भी एक ट्रक के नीचे बाइक आ गई थी और जिसमें 3 लोग थे जो घायल हुए, और आज हमारे कांग्रेस के ही इटावा निवासी सुनील शुक्ला जी का दुर्घटना में निधन हो गया है। आज हम इसीलिए यहाँ पर बैठे हैं, हम सबकी मांग है, हम इटावा वासी, हम उज्जैन रोड वासियों की, कि यहाँ पर 4 लेन किया जाए, क्योंकि यहाँ पर सख्त जरूरत है। यहाँ आप जैसे ही उज्जैन रोड से आएंगे और नागूखेड़ी तक कोई भी मतलब यहाँ पर स्थिति बड़ी डामाडोल है, और इसी कारण हम यहाँ पर बैठे हैं कि हमें बताया गया था कि 211 करोड़ रुपए की योजना यहाँ 4 लेन के लिए आ गई है, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो 211 करोड़ की योजना कहाँ गई? कभी 211 करोड़ की योजना आ गई होती तो आज हमारा साथी हमें छोड़ कर ही नहीं जाता। क्या मानते हैं अतिक्रमण भी जिम्मेदार है? यहाँ पर बहुत कुछ अतिक्रमण भी जिम्मेदार है, अतिक्रमण के कारण भी यातायात अवरुद्ध होता है।